Hi guys, this is Dr. Sadashivam once again with you. पिछले वीडियोस में हमने काफी कुछ बात किया है पांच बिल्डिंग ब्लॉक्स के बारे में इमोशनल इंटेलिजेंस के लिए स्टार्टिंग विद सेल्फ अवेयरनेस मैनेजिंग इमोशंस मोटिवेटिंग वन सेल्फ रिकोगनाइजिंग इमोशंस इन अदर्स एंड हैंडलिंग दी रिलेशनशिप्स और पिछले वीडियो में हमने ये भी कमिट किया था कि अलग अलग वीडियोज़ ये पाँचों टॉपिक्स पर हम ले आएँगे और आज की वीडियो में फर्स्ट वीडियो के बारे में विच इज़ सेल्फ़ अवेयरनेस अपने आप को समझाना तो इस सब्जेक्ट में डाइव करने से पहले एक छोटा सा स्टोरी मैं आपको समझाना चाहता हूं इसमें एक जैन मास्टर है और एक समुराई है इस कहानी में होता क्या है ये वही स्टोरी है जो डैनियल गोलमन ने नारेट किया था जो इमोशनल इंटेलिजेंस बुक का ऑथर थे एम्फोसाइज करने के लिए मतलब अपने आप को समझना कितनी ज़रूरी है और ये कहानी ये कहता है कि ये समुराय जाके एक जेन मास्टर साधु जी के पास जाते हैं और उनसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हेवन और हेल स्वर्ग और नरक के बारे में पूछ रहे हैं और जेन माक जो साधु जी है वो गुस्से में उनको जवाब देते हैं कि मैं आप जैसे लोगों के साथ मैं टाइम अपना वेस्ट नहीं कर सकता हूँ और जब अपना ऑनर अटैक हो जाता है ये समुराई जो तो बहुत स्ट्रांग पीपल तो होते ही हैं वो गुस्से में आ जाता है और अपना जो चाकू है उसको निकाल के इनको डराते हैं कि अभी मार दूँगा और साधु ये कहते हैं कि भाई ये जो तुम कर रहे हो यही नर्ग है हेल मगर ये समुर जो है माइंड में बड़ा स्ट्रांग होते हैं क्योंकि ये पूरा गेम जो है समुराइ गेम जिसको कहते हैं उसके लिए मेंटल फिटनेस की भी ज़रूरत है फ़िज़िकल फिटनेस की भी ज़रूरत है तो वो क्विकली अपना गलती रियलाइज़ कर देता है और जो साधु कहते हैं उसमें सच देखना शुरू करता और वो काम डाउन हो जाता है और अपना चाकू वापस लगा देते हैं और साधु जी को धन्यवाद देता है कि आपने मेरा आँख खोल दिया है और बाँक साधु जी ने बताया ये जो तुम कर रहे हो ये स्वर्ग है ये है कहानी और हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट मतलब सेल्फ अवेयरनेस के बारे में हम बात कर रहे हैं और ये एक फीलिंग में होना या उसी पे डूबने में काफ़ी अंतर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंजेंकशन है सोक्रेटिस बहुत बड़े ग्रीक फिलोसोफर थे वो ये कहते हैं कि इमोशनल स्टेबिलिटी का पहला पड़ाव पहले हम अपने आप को समझ समझना जरूरी है जब साइकॉजली ये सब टर्म्स यूज करते हैं जैसे मेटाकाग्नेशन है मेटाकाग्नेशन क्या है मतलब ये एक बंदे का मूड्स और सोच समझना है मेटा मूड क्या है मेटा मूड है अवेयरनेस ऑफ वंस मूड्स मेटा कॉग्निशन क्या है अपना सोच के बारे में अवेयर होना है ये, ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है ये कंटिन्यूस प्रोसेस है मतलब अपना ही माइंड पे अपने आप को ध्यान देना है वही सेल्फ अवेयरनेस का फर्स्ट पीडी है ये काफी इस पर रिसर्चेस हुआ जैसे सिगमेंट फ्राइड एक बहुत बड़े साइको है साइकोलॉजिस्ट है मतलब वो कहते हैं कि माइंड में जो हो रहा है आपका माइंड ही उसको देखना है होता क्या है ये एक एक्टिवेटेड नियो है हमने नियो नियोकार्ट के बारे में काफी हमने बात किया है जो सोचने वाला एक छोटा सा पार्ट है मतलब इसमें ज्यादा ध्यान मत दे दीजिएगा ये वर्ड्स वगैरह मगर समझने की कोशिश करिए मैं क्या कहना चाहता हूं और छोटा छोटा वर्ड है जैसे आमिक डाला है वर्ड्स भूल जाएंगे कोई दिक्कत नहीं है वर्ड्स ज्यादा जरूरी नहीं है मगर उसका लार्जर प्रता अर्थ जो है उसको समझना बहुत जरूरी है जो मैं कम्युनिकेट करना चाहता हूं सिक्वेंट फ्राइड जब एक्टिवेटेड न्योकारटेक्स के बारे में बात करते हैं मतलब सोचने वाला ब्रेन है दिमाग है क्योंकि वो एक तरह का न्यूरल मोड ऑफ सेल्फ रिफ्लेक्शन न्यूरल मतलब नर्व्स के थ्रू मतलब टर्बुलेंट इमोशंस जब है तब करना जब भी हम गुस्से में हैं क्योंकि एंगर को कंट्रोल करना सेकेंड स्टेप है फर्स्ट है पहले समझना कि हाँ अभी इस वक्त हम गुस्से में हैं उसको रियलाइज करना फर्स्ट स्टेप है कंट्रोल बात की बात है तो जब भी इमोशंस में पहले तो ये स्टेप पीछे लेना है मतलब फर्स्ट स्टेप है पहले ये एक स्टेप इमोशन से पीछे आना है क्या होता है एक पैरल स्ट्रीम ऑफ अवेयरनेस माइंड में आता है ये मेटल लेवल की बात हो रही है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है मतलब अपना ही माइंड है उसके ऊपर एक माइंड डालना बहुत जरूरी है मतलब ये देखना है कि एक अवेयरनेस मतलब हो क्या रहा है उसको समझना है मतलब ये नहीं है कि इमोशंस में हम डूब गए हैं और जैसे पानी का बाढ़ जा रहा है उसी के अंदर जा रहा मतलब आपका कोई कंट्रोल नहीं है आप वहीं जा रहे हैं जहां पानी आपको लेके जाता है ऐसा नहीं है क्योंकि कभी इमोशंस में आते हैं हम अपना ब्रेन काम नहीं करता है हम पानी की तरह बह जाते हैं इमोशंस में कंट्रोल लूज कर देते हैं बस वही चीज़ है तो जब हम सेल्फ अवेयरनेस की बात करते हैं ये जो है अपना ही मूड्स है अपना ही इमोड्स है और उस मूड के बारे में जो सोच है क्योंकि मूड क्या है ये एक स्टेट ऑफ माइंड होता है इसका मतलब अपना ही मूड्स के बारे में अपना ही अवेयरनेस है और अवेयरनेस के बारे में अपना सोच है थोड़ा कॉम्प्लेक्स है चलिए कोई बात नहीं डॉक्टर जिया जॉन मेयर के बारे में हम बात करेंगे प्रोफेसर साहब थे न्यू हेम्पियर यूनिवर्सिटी में काफ़ी रिसर्च उन्होंने किया है उन्होंने ये कहा है कि एक तरह का नॉन रिएक्टिव नॉन जजमेंट अटेंशन इनर स्टेट्स के बारे में है हमें पता है कि अंदर क्या हो रहा है मतलब उसमें रिएक्ट करना नहीं है और जजमेंट भी नहीं करना है जजमेंटल मतलब ये सही है वो गलत है एक्सेट्रा जजमेंट नहीं कर करना है मगर इतनी जल्दी नहीं करना है तो अपना ही बिहेवियर पे पहले अवेयरनेस है उसके बाद चेंज करना ये दोनों पैरल चलते हैं एक एग्जाम्पल देता हूँ उदाहरण देता हूँ इसमें अगर दो बच्चे लड़ रहे हैं समझ लीजिएगा आप एक लड़के से चिला सकते हैं कि अरे उसको मारना बंद कर दो मतलब उसको मारना बंद कर देगा उसका हिट को आप स्टाँप कर सकते हैं बट अंदर जो गुस्सा है वो अंदर ही रहता है मतलब किस लिए वो आंगर उसको बिट कोई ना कोई कारण होगा मतलब वो मारना बंद कर दिया मगर अंदर का गुस्सा अंदर के अंदर है तो पहले जो है फर्स्ट स्टेप रेगुलेशन से पहले रिकोगशन की जरूरी है मतलब गुस्से को पहले रिकग्नाइज करना है वही फर्स्ट स्टेप है रेगुलेट करना बाद की बात है सेकेंड स्टेप है ऐसे कॉन्टेक्स्ट में पीपल तीन डिविशंस में आ जाते हैं फर्स्ट सेल्फ अवेयरनेस है सेकेंड ये एनगल्फ है तीसरा एक्सेप्टेंस है सेल्फ अवेयर अपने आप को समझना वो लोग हैं उनको अपना बाउंड्री पता है उनके पास पॉजिटिव पास मूड में रहते हैं अगर बैड मूड में भी है वो जल्दी से जल्दी वो बैड मूड से बाहर निकल के आ जाते हैं कैटेगरी है पीपल। वो हमेशा रोते रहते हैं वो इमोशंस में पानी की बाढ़ की तरफ बह जाते हैं आउट ऑफ कंट्रोल में रहते हैं बैड मूड में है तो वो तीन चार दिन बैड मूड में ही रहेंगे वो फटाफट वो गुड मूड में नहीं आएंगे ये इनगल्फ्ड पीपल है तीसरा है एक्सेप्टेड ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग कैटेगरी है दोनों के बीच में आते हैं उनके पास काफ़ी क्लैरिटी होगा मगर बैड मूड्स उनका बार बार आता है और उनका जज करना ही बहुत मुश्किल है पता ही नहीं होता अनप्रिडिक्टेबल होता है अपनी जिंदगी में तीनों कैटेगरी के लोगों को हमने कम क्रॉस किया होगा कोई सेल्फ अवेयरनेस एन गल्फ एक्सेप्टेंस हम भी तीनों में से कोई एक ही कैटेगरी में होगा जो हम समझ पाएंगे और इसी सब्जेक्ट में थोड़ा सा हम डीप डाइव करेंगे और इस पर हम बात करेंगे एरोप्लेन में जब जाते हैं कभी कभी टर्बुलेंस होता है ये एग्जाम्पल जो है उनके इमोशनल इंटेलिजेंस में भी दिया है वो स्टोरी हम बात करेंगे मान लीजिएगा एयरोप्लेन में एक अनाउंसमेंट पायलट कहता है कि टर्बुलेंस में जा रहा और हकीकत में वो जा रहा मतलब टेल ऊपर नीचे हो रहा साइड में हो रहा सीट है सीट बेल्ट है उस पर तीन कैटेगरी पीपल होते हैं फर्स्ट कैटेगरी ज़्यादा कुछ ध्यान ही नहीं देते कोई मूवी देखता है बुक पढ़ रहा है उस सिचुएशन से ट्यून आउट हो जाते हैं क्योंकि उनके दिमाग में यह है कि पायलट साहब काम जानते हैं अच्छी तरह वो कर लेगा वो पूरा ट्रस्ट उस पर दे देता है और वो कूल रहता है उसको पता है अभी चालीस हज़ार फीट ऊपर चल रही है और आप थोड़ा सा डरेंगे कुछ भी कुछ नहीं होने वाला है आप बैठे बैठे कुछ भी सोचेंगे कुछ नहीं होने वाला है तो इसलिए अपना बर्डन पूरा पायलट के खंधे पर उतार जाता है और ये अपना मूवी देखता है कोई बुक पढ़ता है ये नॉर्मल टर्बुलेंस नहीं था जिस टर्बुलेंस की हम बात कर रहे हैं लोग इधर उधर भाग रहे हैं और होता है भाई साहब मेरे साथ काफ़ी बार हुआ इस तरह के टर्बुलेंस इंसिडेंसेस और सेकंड कैटेगरी पीपल ऐसा होते ही इमरजेंसी मैनुअल को निकाल के देखना शुरू कर देते थे करना है कहाँ से ऑक्सीजन मास्क निकलेगा कहाँ पर लाइफ वेस्ट है यह सब देखना शुरू कर देते हैं क्योंकि डर जाते हैं वो लोग और तीसरा कैटेगरी वो लोग हैं जो फ्लाइट अटेंडेंट्स को देखते हैं कि उनका मुंह में क्या टेंशन है एयर हॉस्टस को देखते हैं उनको देखते हैं कि वो क्या करते हैं और उससे वो ये पता लगते हैं कि कितना बड़ा टर्बुलेंस है ऐसे भी लोग होते हैं काफ़ी तरीके के पीपल होते हैं सब एक नहीं होता है भाई साहब काफ़ी है और फोर्थ कैटेगरी लोग भी है वो सबको छोड़ देते हैं और एरोप्लेन का साउंड देखेंगे उसमें कोई स्मेल आ रहा तो वो खुद देखेगा कुछ लोग अपना यूट्यूब वीडियो भी निकाल देते हैं आजकल चलिए ये सब होता रहता है इस टाइम पे इस पर भी रिसर्च किया है डॉक्टर मिल्लर ने ये प्रोफेसर साहब थे टेम्पल यूनिवर्सिटी में बहुत बड़े यूनिवर्सिटी है और काफ़ी रिसर्च इसमें उन्होंने किया है और वो क्या कहते हैं ऐसे टाइम्स में डिस्ट्रेसिंग टाइम्स में सर्टन अटेंशनल स्टांड है एक एक बंदा अपना अपना एक अटेंशन दिखाता है और ये अटेंशनल स्टांस जिनका बंदे अपना वो अपना इमोशंस को कैसे एक्सपीरियंस करते हैं उस पर काफ़ी कुछ कंक्लूशन निकाल सकते हैं वो डॉक्टर मिलर है तो इसी को हम सेल्फ अवेयरनेस इस पर काफ़ी कुछ रिसर्च हुआ है जनरली सेल्फ अवेयरनेस जिनको है वो करते क्या है इसी का रिसर्च है और एक और रिसर्च है पीटर डॉक्टर पीटर स्टिनोजा और 1972 में एक बहुत बढ़िया रिसर्च लेके आए हैं क्योंकि मैंने ये सब रिसर्च स्टडीज़ भी मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये सब डॉट्स कनेक्ट करके एक बिगर पिक्चर हम ले आ सकते हैं और ये सेल्फ अवेयरनेस अपना ही जिंदगी में क्यों ये इम्पॉर्टेंट है ये जर्नी ये सफ़र है इमोशनल स्टेबिलिटी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर साहब थे उन्होंने एक वर्ड लिया अलेक्सीमिक्स वो एक ग्रेक वर्ड है ज्यादा जरूरी नहीं एग्जाम नहीं लिख रहे फिर भी थोड़ा सा मैं समझा देता हूं ए मतलब लैक है लेक्सी का मतलब शब्द है वर्ड है लेक्सिकन वर्ड यूज करते तेमोक्स मतलब इमोशंस एलेक्सिटिमिया मतलब इमोशंस को एक्सप्रेस करने का वर्ड शब्द नहीं मिल रहा माइंड में कहते हैं ना क्या बताऊं क्या बताऊं टाइप तो अलेक्सा का एक छोटा सा कहानी मैं आपको बताता हूं इस तरह काफी सारे कहानी मैं आपको समझाऊंगा क्योंकि ये कहानियां स्टोरीज अपना अंडरस्टैंडिंग को और बढ़िया करता क्योंकि वर्ड्स में ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे मिक्स कोई जरूरी नहीं है आपको ये वर्ड कोई एग्जाम थोड़ी लिखना वो जरूरी नहीं है बट ब्रॉड पिक्चर आप समझ लीजिए क्योंकि जब इमोशंस है Uh, और उसका वर्ड शब्द में नहीं करता क्योंकि हम प्रैक्टिकल लाइफ की हम बात कर रहे हैं अपना ही कम्युनिकेशन है अपना ही रिलेशनशिप जो लोगों के साथ है फैमिली में है नेबर्स के साथ कंपनीज में है बॉस है नीचे काम करने वाले हैं बाहर वाले हैं आपके कस्टमर्स प्रेस वेंडर्स है सप्लायर्स है यूनियन लीडर्स भी होते हैं कभी कभी कम्युनिकेट करते हैं तो ये सब चीज़ें प्रैक्टिकल करना चाहते हैं और एग्जाम के लिए नहीं है तो दोबारा मैं काफ़ी बार मेरे को पता है रिपीट कर रहा हूँ ये वर्ड्स शब्द ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वो वर्ड भूल भी जाएंगे कुछ नहीं होगा मगर उसका शब्द उसका स्पिरिट उसका अर्थ ग्रास्प करने की कोशिश करिए अलेक्ट्रिटिमिक्स एक छोटा सा कहानी बताऊंगा जो क्लियर हो जाएगा ये एक स्टोरी है गैरी एंड यलन गैरी एक सर्जन है और एलन से शादी करने वाला है फियांसी है और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से एमबीबीएस किया हुआ बहुत ही इंटेलिजेंट बंदा है हाईली देखो हार्वर्ड जैसे स्कूल में डॉक्टर सर्जन का कोर्स पास किया है और टॉपर है और बहुत सक्सेसफुल सर्जन है मगर इमोशनली बड़ा फ्लैट है आलन उसका शादी करने वाली लड़की है जिसको अंग्रेजी में कहते हैं तो शादी से पहले अपना मिलते हैं जुलते हैं कभी खाना खाने जाते हैं तो ये लड़की इस पर एक येन लड़की जो है काफी ओपन है बात करना चाहती है मगर जब भी ये बात करती है वो रिस्पॉन्स उससे नहीं आ रहा लड़के से गलन डॉक्टर साहब से वो कहती है हो सकता है ये बहुत इंटेलिजेंट है क्वालिफाइड है सर्जन है मगर उसका माइंड में ये डाउट आ जाता है कि ये ये गुड हस्बैंड हो सकता है क्या हो सकता है सक्सेसफुल हो सर्जन हो क्वालिफाइड हो एम हो मतलब उसकी माइंड में एक ऐसा फीलिंग आ जाता है मगर दोनों एक काउंसलर के पास चले जाते हैं अभी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एनालिसिस निकलता है यहाँ ये आ, मतलब ये नहीं है कि मतलब वो बंदे के पास कोई इमोशंस नहीं है मगर दिक्कत ये है कि अपना इमोशंस को वर्ड्स में नहीं डाल पा रहा है शब्द में नहीं वो ये लोग कहते हैं कि मैं बात करने का है ही नहीं है कुछ ये दिक्कत है क्योंकि उनके पास कोई वर्ड ही नहीं मिल रहा रिम्बर हम बात कर रहे थे अलग मतलब शब्द उनको इमोशंस के बारे में प्रॉपर वर्ड्स uh, नहीं मिल रहा मतलब एक तरह का डिसकनेक्शन है लिम्बिक सिस्टम और नियोकार्टस में थोड़ा सा लिंक में खराबी है काफ़ी कुछ हमने बात किया लिम्बिक सिस्टम वंस अगेन मैं आपको बता रहा हूँ वर्ड ज़्यादा इंपॉर्टेंट बट बार बार लिम्बिक ब्रेन है अपने लाइफ फंक्शंस ब्रीथ मेटाबॉलिज्म सब करता है।, नियो है सोचने वाला ब्रेन है और ये दोनों के बीच में जहाँ भी डिस्कनेक्शन हो जाता है तब एक वर्ड भी वो यूज करते हैं डॉक्टर पीटर करते हैं सोमांटिसाइसिंग इसका मतलब इमोशनल में पेन है मगर उसको बॉडी में पेन शुरू हो जाता है माइंड का पेन है बट फिजिकल में आ, उनको वो फील करते हैं फिजिकल पेन फिजिकल पेन तो बाहर से कोई मार पड़ने से ही होता है ना बट माइंड का पेन है तो फिजिकली पेन दूसरा एक कहानी बताता हूँ येलियट के बारे में येलियट ब्रेन का ट्यूमर था और बहुत बड़े सक्सेसफुल लॉयर थे हमने पहले भी एक वीडियो में हमने इसके बारे में जिक्र किया है उस टाइम डिटेल बात नहीं किया है मगर आज डिटेल स्टोरी मैं आपको बताता हूं उनके ब्रेन में एक छोटा सा ट्यूमर था जिसको रिमूव करना था छोटा सा ट्यूमर है उसको रिमूव कर दिया गया था सर्जन ने मगर करने के बाद लोग ये कह रहे थे कि यह बंदे तो ऐसा लग रहा कंप्लीट पर्सनैलिटी चेंज हो गया है इसका दिमाग में वही मतलब इंटेलिजेंट था अभी भी इंटेलिजेंट है उसमें कोई दिक्कत नहीं है मगर उसकी बिहेवियर टोटली चेंज हो गया है और दोबारा साइकियाट्रिस्ट के पास चले गए थे तो वो आई क्यू टेस्ट वगैरह किया तो ब्रेन में कोई दिक्कत नहीं है बड़ा ब्राइट आदमी है शार्प ब्रेन है मगर प्रैक्टिकल साइड में बड़ा खराब हो गया टाइम मैनेजमेंट नहीं था प्रायोरिटीज का कोई नहीं था काम ठीक ठाक कर नहीं रहा था और दिमाग तो है नॉलेज है यादगारी है सब कुछ है मगर ये एग्जाम में गया वहां इसको निकाल दिया है टेफायर कर दिए टर्मिनेट कर दिया है दो तीन बार इनको लोगों ने रिप्रीमांड किए हैं मतलब वो सबको कोई असर नहीं पड़ रहा दोबारा डॉक्टर के पास चला गया और डॉक्टर साहब का नाम एंथोनी और बहुत बड़ा फेमस डॉक्टर थे साइकेट्रिस्ट डॉक्टर थे देखिए क्या हो रहा है जब येलिएट अपना ही कहानी बता रहा मैं एक बहुत बड़ा सक्सेसफुल लायर था ये किया वो किया मैं सक्सेस था फिर ब्रेन में ट्रूमर था यह सब चीज़ पूरा समझा रहा है मिसिस दौड़ गई थी उससे यह सब बड़ा कहानी उसका शौक कहानी बता रहा था जबकि मेरे बहुत जॉब से निकाल दिया गया ये सब बता रहा है मगर जब ये नरेट कर रहा है उसका तो कोई फीलिंग ही नहीं था अपना इमोशंस ही नहीं था इनफैक्ट मैकेनिकल बेसिस पे वो हर एक चीज इमोशंस तो था ही नहीं मतलब ये डमासियो जो सुन रहे थे वो ज्यादा अपसेट हो गए थे इसका कहानी देखे मगर उसको तो कोई अपसेट ही फील नहीं हुआ तब डमासियो ने कुछ ऐसे टेस्ट किया कि ये कैसे पॉसिबल है इतना ब्रिलियंट बंदा है इतना ब्राइट बंदा है इतना सक्सेसफुल था मगर ऑपरेशन के बाद ऐसा क्या हो गया था वो फिर उसने बताया था ट्यूमर का ट्यूमर रिमूवल का ये सब किया था डॉक्टर एंटोनियो डमासियो को पता लगा जब ट्यूमर निकाला गया एक प्री फ्रंटल लोब्स जिसकी हम पहले वीडियोस में बात किए हैं छोटा छोटा पार्ट्स है जब उसको ट्यूमर निकाला गया छोटे मोटे कनेक्शन कट गया था एज अ रिजल्ट लोअर सेंटर ऑफ द ब्रेन के साथ छोटे छोटे नर्व सेंटर बहुत पतली 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 वो सब कट हो गए हैं तो बंदे का मिस्टे, मिस्टेक नहीं है बंदा कभी गलत नहीं होता है बट इस तरह के कुछ फिजिकल थिंग्स ब्रेन के अंदर होता है तो आप अपने इमोशनल बैलेंस को खो देते हैं और यही चीज ये ट्यूमर रिमूवल एलियट जिनकी बात कर रहे हैं उस पर हुआ है गाइस ये बहुत ही और इम्पॉर्टेंट थिंग मतलब एक एक कहानी जो हम देख रहे हैं ये सब इमोशनल सेल्फ़ अवेयरनेस है उस पर कुछ चीज़ तो फिस है मगर लार्जली साइकोलॉजी है क्योंकि माइंड का काम है हम जिंदगी में काफ़ी कुछ डिसीजन लेते हैं किससे शादी करना कहाँ रहना है कौन सा अपार्टमेंट को रेंट पे लेना है ये सब डिसीशन्स हम लेते रहते हैं और हमें पता है ये सब चीज़ें पूरे ब्रेन के थ्रू नहीं कर सकते हैं कुछ फील की ज़रूरत होती है क्योंकि जब फील की हम बात करते हैं हम ये एक विजडम मतलब ये एक दो दिन में नहीं दो दिन में नहीं बचपन से ही हम विजडम को कलेक्ट कर रहे हैं हम सब इंटू इंटुवेशंस में रहते हैं और इंटूशन हमें क्रूशियल मोमेंट्स पे गाइड करते हैं क्योंकि विज्ञान साइंस आपको हंड्रेड परसेंट हेल्प नहीं कर सकता क्योंकि कुछ डिसीशंस अपने गड फीलिंग से हम करते हैं उसी को हम कहते हैं इंटुविशन इंटूविटिव ब्रेन कहते हैं डॉक्टर डोमाजियो इनको कहते हैं लिम्बिक ड्रिवन सर्जस कहते हैं चलिए टेक्निकल टर्म है वो सब कहते हैं सोमैटिक मार्कर्स चलिए ये वर्ड्स को छोड़ दीजिए ज्यादा कोई एमबीबीएस स्टोरी लिखना मत समझना इसी चीज़ को हम कहते हैं गट फीलिंग क्योंकि कोई आपसे पूछते हैं एक्सप्लेन करते हैं आप ये कहेंगे यार ऐसा लगता है मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ मगर मुझे ऐसा लगता है उस बंदे को मैं पसंद नहीं करता हूँ मगर कारण पूछें तो कोई कारण ही नहीं है मगर माइंड में कहीं फीलिंग है कि ये बंदा ट्रस्टवर्दी नहीं है वो सोच कहाँ से आता बताइए उसी चीज की हम बात करते हैं क्योंकि वो सब इंटुटिव सिग्नल्स है और ये सब लिम्बिक ड्रिवन है ये वो कहते हैं ऑफ़ द अनकॉन्शियस बहुत ब्यूटीफुल वर्ल्ड है उसपे दो लेवल्स होते हैं भाई साहब दो कॉन्शियस है ये कॉन्शियस अवेयरनेस होता है और दूसरा अनकॉन्शियस अवेयरनेस हम कहते हैं और काफी सारे इमोशंस हैं जो अवेयरनेस के नीचे तैरता रहता हमें खुद पता नहीं है ध्यान रखिएगा ये जो इमोशंस है हमारे अवेयरनेस के नीचे वो जलते रहते हैं खुद हमें पता नहीं है और उनका काफ़ी पावरफुल इफेक्ट है कि हम चीज़ों को कैसे परसीव करते हैं और उस पर रिएक्शन कैसे करते हैं अपने परसेप्शन को रिएक्शन क्योंकि परसेप्शन से रिएक्शन बाहर निकलता रिएक्शन बाहर है परसेप्शन uh, अंदर है और यही हम बात कर रहे हैं सिर्फ अवेयरनेस के बारे में मतलब अवेयरनेस ऑफ आवर ओन सोच है मूड्स है उसके बारे में अवेयर होना हम दिन में काफ़ी सारे ऐसे फीलिंग्स इमोशंस सुबह से शाम तक डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स में डिफरेंट डिफरेंट लोगों के साथ डिफरेंट डिफरेंट इवेंट्स के साथ हम ये सब के थ्रू वी गो थ्रू ऑल दिस कभी एंगर कभी हैप्पी क्योंकि उनको हमें रेगुलेट करना बहुत जरूरी है क्योंकि हम अपने बिहेवियर को पहले रेगुलेट करना है तो पहले अवेयरनेस अपने आप को समझना उस पर्टिकुलर इवेंट टाइम uh, में मतलब पहले तो रिकगनाइज़ करना जरूरी है और उसके बाद एक्शंस की बात है तो ईच ऑफ दी सेकेंड्स में सेल्फ़ अवेयरनेस अपने आप को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और काफ़ी बार जब हम वर्ड्स पे हम मूड्स में कंट्रोल लूज़ करते हैं ऑलवेज थोड़ा सा गैप दीजिए मतलब फाइव सेकेंड पास कहते हैं या दस सेकंड का पास काउंट डाउन करिए अगर जब आप बहुत गुस्से में हैं आ, आप चिलाना चाहते हैं चिल्लाइए कोई दिक्कत नहीं है मगर चिल्लाने से पहले एक बार दस काउंट करिए दस नाइन एट सेवन सिक्स इस बार काउंट करिए दस सेकंड का पास दीजिए दिमाग में इस दस सेकंड में अगर आपको लगता है आपको चिल्लाना ये चिल्लाइए कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये टाइम पे करिए सिचुएशन क्या है इश्यू क्या है कितना मेरे को बात करना है और क्या वर्ड्स यूज करना है थोड़ा सोचिए मतलब दस सेकंड नहीं है पांच सेकंड तो सोचिएगा ये करने से जब भी स्पेशली जब आप इमोशंस में हैं क्योंकि जब इमोशंस में हम नहीं कर पाएंगे काउंट डाउन करिएगा अपना रिएक्शंस को पूरी तरह वाच करिएगा क्या वो शब्द यूज कर रहे हैं उसको वाच करिए वो फर्स्ट स्टेप है सेल्फ अवेयरनेस के सफर में और इसको कल्टिवेट कैसे कर सकते हैं ये नहीं है कि मतलब आज शुरू कर दिया और कल इतना ईसी भी नहीं है यह प्रैक्टिस की बात है रिगरस प्रैक्टिस कैसे प्रैक्टिस करेंगे देखिएगा आप देखिए एवरी डे दे, अपनी जिंदगी इस तरह के काफी सारे सिचुएशन आपको देता है यह सब अपॉर्चुनिटी है सुबह से शाम तक तो उसको पहले अवेयर करिए और प्रैक्टिस करते रहिए यह कोई ग्राउंड में जाके प्रैक्टिस नहीं करना क्योंकि लाइफ में बहुत कुछ सेल्फ अवेयरनेस के लिए आपको चांस मिलता है अपॉर्चुनिटीज मिलता है और आने वाले वीडियो में हम मैनेज कैसे करेंगे मोटिवेट अपने आप को कैसे करें बाकियों का इमोशंस कैसे करें और ये चारों को रख के रिलेशनशिप्स को कैसे बेहतर करें वो करेंगे आने वाले वीडियोस में ओके गाइस, आई होप यू ऑल एंड लाइक